यार ये भाई की जीव इसको बहुत ज्यादा धोखा देके गई, तो इसने अपने सर पे ही लिख लिया धोखेबाज। क्या ही मस्त हेयर कटिंग है, धोखेबाज फ्रॉम ढोलकपुर। खैर तुम लोग ये सब छोड़ो और बात सुनो, हमारे गेम के अंदर आने वाला एक बहुत ही कमाल का स्पेशल गोल्ड रॉयल, जिसके बारे में तुमको तो भाई बिल्कुल पता ही नहीं होगा। आगे बोलना नहीं पता। बता रहा हूँ भाई, मेरा काम ही आप लोगों को तगड़े तगड़े अपडेट इवेंट बताना है। चिंता मत करो भाई, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपकमिंग स्पेशल गोल्ड रॉयल का सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। एंड देन गाइस, हमारे फ्री फायर गेम के अंदर ब्लू लॉक कोलैबोरेशन आने वाला, एकदम नया कोलैबोरेशन है। इस कोलैबोरेशन के सभी आइटम्स का रिव्यू आपको कराऊंगा, कुछ इसके पेड आइटम्स है, फ्री आइटम्स है, सबके बारे में बताऊंगा। इसी के साथ साथ गाइस, दिवाली स्पेशल फेडेड व्हील है, रिंग इवेंट है, रॉयल हैंड और भी बहुत सारे इवेंट है, तो उन सभी के बारे में भी आप लोगों को आज की इसी वीडियो में पता लगने वाला है। सीधा सीधा बोलूं तो भाई, दिवाली इवेंट, अपकमिंग कोलैबोरेशन, ढेर सारे फ्री इवेंट, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है भाई इस वीडियो में। तुम लोग बस ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो, आज आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आइए देख मजा आएगा। ये गाइस, अभी हम लोग सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू लॉक कोलैबोरेशन के बारे में। जी हाँ गाइस, जो हमारे गेम के अंदर न्यू कोलैबोरेशन आने वाला है, उसका नाम ब्लू लॉक कोलैबोरेशन ही है। एंड बात करें ब्लू लॉक कोलैबोरेशन की, तो भाई इस कोलैबोरेशन के बहुत सारे आइटम वो भी अपडेट के साथ ही हमारे गेम की फाइल के अंदर एड हुए थे। आप लोग स्क्रीन पर देखो, ये सभी आइटम ब्लू लॉक कोलैबोरेशन के आइटम है। यहाँ पर गाइस स्टार्टिंग में हम लोगों को दो क्रेट्स देखने को मिल रही है। इन क्रेट्स में भाई ब्लू लॉक कोलैबोरेशन के अलग अलग आइटम्स होंगे। फिर गाइस यहाँ पर ब्लू लॉक कोलैबोरेशन के टोकन है, लूट बॉक्स है, अवतार बैनर है। अभी तक के भाई जितने भी आइटम्स मैंने आप लोगों को दिखाए ये तो फ्री रिवॉर्ड्स हैं। क्रेट्स भी फ्री में मिलेंगी, लूट बॉक्स भी फ्री मिलेगा, अवतार बैनर ये सब कुछ भी फ्री मिलने वाला है। देन गाइस यहाँ पर एक पैराशूट का स्किन है, एक बाइक का स्किन है, ये दोनों आइटम भी प्रॉपर भाई फ्री में मिलने वाले हैं। बाइक के स्किन की बात करें तो भाई काफी बढ़िया लग रहा है। फिर गाइस यहाँ पर एक ग्लू वॉल का स्किन है, ये ग्लू वॉल का स्किन फ्री नहीं मिलेगा लेकिन टॉप अप इवेंट के अंदर अवेलेबल रहेगा। 500 डायमंड का टॉप अप करके आप लोग फ्री में इसको ले सकते हो। फ्री में नहीं भाई, टॉप अप हो जा रहा है तो फ्री नहीं हुआ, ऐसे मिल जाएगा। खैर इसके बाद गाइस यहाँ पर एक वेक्टर की स्किन है, ये गाइस कोई लेजेंडरी स्किन नहीं है और ना ही इसके एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं ये फ्री में मिलने वाली है। देन गाइस यहाँ पर एक फेमस की स्किन है, ये लुक वाइज तो बढ़िया है लेकिन इसके भी एट्रीब्यूट्स कुछ खास है नहीं, बट फिर भी भाई मैं आपको बता दूं जो फेमस की स्किन है ये हमको पेड इवेंट में मिलेगी, ना कि फ्री मिलने वाली है। इसके बाद गाइस हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा इमोट देखने को मिल रहा है। एंड भाई ये तो फुटबॉलर वाला इमोट है, जो कि इस कोलैबोरेशन में पेड इवेंट में आएगा, बहुत शानदार लग रहा है ये इमोट। देन गाइस हम लोगों को यहाँ पर शाइनिंग इमोट देखने को मिल रहा है, ये इमोट भी बहुत यूनिक है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये इमोट भी हमारे गेम के अंदर पेड इवेंट में ही आएगा, ये भी फ्री नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस, ये तो कुछ नॉर्मल आइटम थे, अभी आप लोग ये कोलैबोरेशन के बंडल्स देखो। मैं आपको बता दूं भाई, इस कोलैबोरेशन में बहुत ही तगड़े बंडल आने वाले हैं। पहला बंडल आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे भाई, ये सभी बेसिकली ना फुटबॉलर वाले बंडल है। आप लोग देख सकते हो इनका जो पूरा लुक है, अपर से लेके लोअर से लेके शूज तक सब कुछ ही भाई क्रिकेटर वाला फील दे रहा है। मुझे तो पर्सनली भाई काफी सही लग रहा है ये बंडल। खैर अभी गाइस ये तो एक ही बंडल है, आप लोग अभी आराम से देखो। इस कोलैबोरेशन के तीन और बंडल का रिव्यू मेरे पास है, जो कि अब तुम लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे। भाई ये तीनों बंडल भी बड़े यूनिक्स हैं, आप लोग आराम से सभी बंडल का रिव्यू देखो। बाकी खैर गाइस मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, ये जो बंडल है मैंने आप लोगों को टोटल चार बंडल दिखाए हैं, ये चारों ही यार हमारे न्यू कोलैबोरेशन के बंडल है। एंड यार सीधे सीधे बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि इनमें से एक बंडल हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर फ्री मिलेगा। तो देखो भाई कोई सा भी बंडल फ्री मिल सकता है रैंडमली, बट हाँ तुम लोग गैस करके बता सकते हो कि तुमको क्या लगता है कौन सा बंडल फ्री में मिलेगा। मैं भी तो देखूं भाई किसका गैस कितना एक्यूरेट रहता है। रवि भाई जो भी हो, हम लोग ये न्यू कोलैबोरेशन के सभी आइटम्स का रिव्यू देख चुके हैं, और हाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो भी खास इस कोलैबोरेशन के आइटम है मैं उनके बारे में बता चुका हूँ कि कौन सा पेड आएगा कौन सा फ्री आएगा। तो इसलिए गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अभी मैं आपको इस कोलैबोरेशन के कंफर्म डेट के बारे में बता देता हूँ। देखो भाई ये जो फ्री फायर एक्स ब्लू लॉक कोलैबोरेशन है नवंबर मंथ में आएगा, इसका एक पोस्टर भी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये नवंबर मंथ में आने वाला है। आप लोग पोस्टर भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली गाइस अगर आपको ये कोलैबोरेशन पसंद आया, इसके रिवॉर्ड्स पसंद आए हैं, तो नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार थोड़ा लंबा है बट कुछ नहीं कर सकते भाई, मेरा तो एक ही काम है आप लोगों को हमारे गेम की फाइल के अंदर से बढ़िया बढ़िया अपडेट्स का इन्फॉर्मेशन निकाल के देना। तो आज गाइस मुझे कोलैबोरेशन के बारे में पता लगा था, मैंने प्रॉपर आपको इसके बारे में बता दिया है। बाकी अभी गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिवाली इवेंट के बारे में। यहाँ गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग स्क्रीन पर दिवाली स्पेशल ये एक फेडेड व्हील देखो। ये जो फेडेड व्हील है भाई ये बहुत ही कमाल का है, क्योंकि जो
इमोट यहाँ पर अवेलेबल है। ये इमोट की शान ही अलग है। हाँ गाइस बताऊं तो भाई इस इमोट को काफी सारे बंदे हनुमान जी वाले इमोट से रिलेट कर रहे हैं। काफी कदा कूल लग रहा है ये इमोट। बाकी इसका नाम मैग्मा क्वैक है। तुम लोग खुद ही देखो यार क्या ही मस्त, गधा नीचे पटक कर मैग्मा निकाल दे रहा है जमीन से। बहुत मस्त लग रहा है भाई इमोट, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हाँ थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि भाई इस बार ये दिवाली में इन लोगों ने काफी कुछ आइटम हनुमान जी वाली थीम में दे दिए, जो कि भाई उतना अच्छी बात भी नहीं है। आइटम्स अच्छे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन भाई भगवान और गेम दोनों को अलग अलग रखा जाए वही बेहतर है। जो भी होगा ये इमोट था एंड ये फेडेड व्हील है, जो कि हमारे इंडिया सर्वर के लिए कंफर्म हुआ है। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ये मेरे पर्सनल रिव्यूज है कि भाई भगवान वाले जो इमोट्स वगैरह रहते हैं इनको गेम में नहीं लाना चाहिए, वो अलग चीज है भाई, उनके लिए अलग रिस्पेक्ट है हमारे अंदर, उनको इस तरीके से गेम में नहीं ला सकते। बट आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी अपने रिव्यूज मुझे कमेंट में जरूर देना। बाकी यार मेरा जो काम है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो ये फेडेड व्हील मुझे हमारे गेम की फाइल के अंदर से मिला है। एंड अभी गाइस क्लियरली बता रहा हूं ये फेडेड व्हील हमारे इंडिया सर्वर के लिए पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। एंड अप्रोक्स भाई हम लोगों को यही मंथ की एंडिंग में कुछ 27-28 तारीख के आसपास ये फेडेड व्हील हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। जी हां गाइस सितंबर मंथ की एंडिंग में ना हमारे गेम के अंदर दिवाली स्पेशल कुछ इवेंट आ जाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर दिवाली इवेंट है वो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा। ये चीज मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बता रखी है, लेकिन आज फिर से बता दी। आप लोग चिंता मत करो, अभी हम लोग आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले बूया इवेंट के बारे में। देखो गाइस वैसे करंट टाइम पे हमारे गेम के अंदर ग्लू नोवा इवेंट चल रहा है, लेकिन भाई जैसे ग्लू नोवा इवेंट खत्म होगा हमारे गेम के अंदर आएगा बूया इवेंट। हाँ इस बार बूया इवेंट की थीम पर हमारे गेम के अंदर एक स्पेशल गोल्ड रॉयल भी आने वाला है, जिसका रिव्यू आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। कल मैंने अपने सेकंड चैनल पे भी इसका रिव्यू डाल रखा था, तो अगर तुम लोग मेरे सेकंड चैनल को देखते हो तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये कहीं देखा देखा सा है। हाँ भाई मैंने ही कल दिखाया था आप लोगों को। बाकी इसके बारे में डिटेल से बताऊं तो यहाँ पर एक ग्लू वॉल है, बूया वाली ग्लू वॉल है, जो कि काफी अच्छी लग रही है। आप लोग देख सकते हो प्लेन है यार, ऐसी कुछ खास भी नहीं है, प्लेन येलो कलर की है। इसमें थोड़े बहुत ग्लिटर वाले इफेक्ट है हम लोगों को देखने को मिल रहा है पर्पल कलर की, और बाकी बीच में बूया लिखा हुआ है। इसके बाद गाइस यहाँ पर एक कटाना की स्किन भी है। मैं आपको बता दूं कटाना की स्किन भी काफी बढ़िया लग रही है, लेजेंडरी स्किन है भाई कटाना की तो। एंड हम लोगों को भाई हमारे गेम के अंदर ये दोनों ही आइटम स्पेशल गोल्ड रॉयल में देखने को मिलने वाले हैं। पर्सनली भाई सीधा बता रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्पेशल गोल्ड रॉयल, क्योंकि ग्लू वॉल मिल रही है, कटाना की स्किन मिल रही है, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स इस गोल्ड रॉयल के अंदर है। एंड नो डाउट भाई मैं शक भी नहीं करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, मैं 100% श्योर हूँ आप लोगों को भी ये स्पेशल गोल्ड रॉयल जरूर पसंद आया होगा। तो गाइस देखो तुमको ये स्पेशल गोल्ड रॉयल पसंद आया तो सबसे पहले ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे अपडेट्स लेके आया हूं भाई, इतना तो बनता ही है। तो हाँ अगर गाइस सब्सक्राइब वगैरह कर लिया, लाइक वगैरह कर लिया, चलो मैं आपको इसका कंफर्म डेट भी बता देता हूं। हाँ जी तो गाइस देखो ये जो स्पेशल गोल्ड रॉयल आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया ये बूया स्पेशल इवेंट है। एंड यार हमारे इंडिया सर्वर के अंदर यही मंथ में 23 या फिर 24 तारीख के आसपास हमारे गेम के अंदर ये स्पेशल गोल्ड रॉयल आएगा। टोटल 7 दिनों के लिए हमारे गेम के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो यार आप लोगों से सबसे एक ही चीज बोलूंगा, अभी से अपने गोल्ड को बचा के रखो, क्योंकि ये जो स्पेशल गोल्ड रॉयल वगैरह रहता है यहाँ पर अच्छा खासा गोल्ड लग जाता है। तो हो सके तो भाई अभी से अपने गोल्ड को बचाना स्टार्ट कर दो। बाकी मैं तो भाई तुमको ये स्पेशल गोल्ड रॉयल के बारे में भी बता चुका हूँ, इसलिए गाइस अभी मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले क्रिमिनल बंडल रिटर्न के बारे में बताता हूँ। हाँ गाइस ये जो रिंग इवेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो यही वो रिंग इवेंट है जहाँ पर क्रिमिनल बंडल रिटर्न पे आने वाले हैं। टोटल 3 क्रिमिनल बंडल रिटर्न पे आएंगे, ग्रीन, रेड एंड नियॉन वाला रेड। तो बेसिकली भाई मैं आपको बताऊं तो मुझे तीनों ही ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन मेरे पास ग्रीन क्रिमिनल पहले से पड़ा है। जो टॉप क्रिमिनल रेड वाला है वो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरे पास है भी नहीं। बट सच बताऊं तो मेरी किस्मत मुझे ऑलरेडी पता है, अगर मैं यहाँ पर स्पिन करूंगा तो खैर ग्रीन तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन हाँ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मुझे यहाँ पर से नियॉन क्रिमिनल मिलेगा। टोकन भी कलेक्ट करने में ना मेरे को बहुत ज्यादा डायमंड लग जाएंगे, इतने डायमंड है भी नहीं। इसलिए यार तुम लोगों से हमेशा ही सच बोलता हूँ, आज भी सच बोलूंगा, मैं ये क्रिमिनल वाले रिंग इवेंट में स्पिन ही नहीं मारने वाला हूँ। बाकी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं ये जो रिंग इवेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्रिमिनल रिंग इवेंट, ये हमारे गेम के अंदर एक स्पेशल इवेंट में आने वाला है, जो कि है दिवाली इवेंट। हाँ गाइस वैसे मुझे पता था तुम लोगों ने प्रिडिक्ट कर ही लिया होगा ये रिंग इवेंट को देख के कि भाई ये दिवाली स्पेशल रिंग इवेंट है, क्योंकि आज से पहले भी कई बार दिवाली में क्रिमिनल बंडल रिटर्न पे आ चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। बाकी ऑलराइट गाइस मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं ये क्रिमिनल बंडल दिवाली में रिटर्न आएंगे, और दिवाली की बात करें तो दिवाली नेक्स्ट मंथ आने वाली है, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में। हाँ गाइस दिवाली के इवेंट्स अक्टूबर में आएंगे गेम के अंदर, मैं वो बता रहा हूँ। रही बात इसकी कंफर्म डेट की, तो भाई अभी ऐसी कोई कंफर्म डेट नहीं है, जस्ट मैं आपको बता दूं दिवाली स्पेशल ये एक रिंग इवेंट है, जो कि अक्टूबर के महीने में आएगा, अक्टूबर की फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में आ जाएगा। टेंशन मत लो भाई, इसका कंफर्म डेट भी मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका रिव्यू अवेलेबल है हमारे गेम की फाइल के अंदर, या फिर कहीं दूर दूर तक इसका कोई पोस्टर नहीं आ रहा है। पोस्टर मिलता तो मैं आपको इसकी एग्जैक्ट एक्यूरेट कंफर्म डेट भी बता देता। बट ऑलराइट गाइस ये सब तुम लोग छोड़ो, मैंने तो आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी दे दिया है, तो उम्मीद है यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अभी गाइस हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड
एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।